ये देखिए हमारी चिकन की ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, और साथ ही साथ हमारा चिकन भी एकदम सही से पक गया है। इसे मैंने बनाया है बस 20 से 25 मिनट में। आप इसे एक बार तो घर पर जरूर बनाइएगा, आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति। तो चलिए ये टेस्टी सी चिकन करी बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने चिकन, 500 ग्राम चिकन लिया है। इसको मैंने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके रख दिया है। ये चिकन करी की खास बात ये है कि हमें इसको मैरिनेशन करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी ये 20 से 25 मिनट में बनके तैयार भी हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने गैस पर रख दी एक कढ़ाई, उसमें डाल देंगे बस 1 टीस्पून तेल। तेल गर्म होते ही हमें इसमें ऐड करना है 2 तेज़पत्ता और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। साथ ही साथ इसमें जाएगा 3-4 लौंग और 3-4 काली मिर्च। जैसे ही खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, हमें इसमें डालनी है 1/2 टीस्पून हल्दी। बस हल्दी को भी और कुछ सेकंड तक फ्राई करते हैं। जैसे ही हल्दी भी फ्राई हो जाएगी, हमें इसमें डालना है चिकन। मिलाते हैं। अब हमें इसमें डालना है नमक। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया है। अब आपके स्वाद अनुसार नमक डाल दें। नमक डालने से चिकन में पानी डालने की जरूरत नहीं होती, बिना पानी के ही अच्छे से पक जाता है। नमक डालने से चिकन अपने आप पानी छोड़ने लगता है और उसी में ये पक जाता है। तो इसे ढक के रख देते हैं 10 से 12 मिनट तक। तो ये देखिए चिकन को मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 10-12 मिनट तक ढक के रख दिया था। चिकन हमारा अच्छे से पक गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और चिकन ने पानी भी छोड़ना शुरू किया है। ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से पक गया है। तो गैस पर मैंने दूसरे साइड 1 ग्लास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमें इसमें डालना है गुनगुना पानी। पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, तो जितनी आपको ग्रेवी बनानी है ना उतना पानी डाल दें। तो ये देखिए पानी डालने के बाद ये फिर से उबलने लगा है, तो फिर से हमें इसको बस 2-3 मिनट तक ढक के उबालना है। 2-3 मिनट बाद ढक्कन हटाते हैं, तो यहाँ पे हमारा चिकन एकदम अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और अब हमें बनानी है ग्रेवी। तो गैस पर रख दी है मैंने दूसरी कढ़ाई, उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा, हमें गैस की फ्लेम स्लो करनी है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर तेल में फ्राई करने से ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन ध्यान रखिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, लाल मिर्च पाउडर बहुत जल्दी जल सकती है। तो बस कुछ सेकेंड तक लाल मिर्च पाउडर को फ्राई करके लेते हैं। जैसे ही लाल मिर्च पाउडर फ्राई हो जाएगी, हम इसमें डाल देंगे ये 2 पीसे हुए प्याज। इसी के साथ जाएंगे 2 टमाटर। टमाटर को भी मैंने सिंपली पीस के लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, आप यहाँ पे चाहे तो अदरक लहसुन प्याज टमाटर एकदम बारीक कट करके भी ले सकते हैं, लेकिन पीसे हुए प्याज टमाटर डालने से ग्रेवी बहुत ही अच्छी स्मूथ और एकदम एक जैसी बनती है। बस मिलाते हैं। प्याज टमाटर जल्दी से पकने के लिए हम इसमें डाल देंगे नमक। तो मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक थोड़ा ध्यान से, क्योंकि चिकन को कुक करने के लिए पहले भी हमने नमक डाल दिया है। अब हमें गैस की फ्लेम स्लो करके उसको ढक के रखना है 4 से 5 मिनट तक। 4-5 मिनट बाद ढक्कन हटाते हैं, एक बार ऐसे मिलाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले। तो ये बस 2 हरी मिर्च डाल दी है मैंने। हरी मिर्च को बीच में से कट करके लिया है। इसी के साथ 1 टीस्पून है धना पाउडर, चिकन मसाला 1 टीस्पून, ये रेडीमेड चिकन मसाला मिलता है ना वो मसाला मैंने डाल दिया है। ये 1/2 टीस्पून है जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। मिलाते हैं। हमें फिर से इसको 3 से 4 मिनट तक पकाना है, ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए और ये प्याज टमाटर जो है ना और अच्छे से पक जाए। यहाँ पे भी हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। तो ये देखिए 4-5 मिनट बाद ढक्कन हटाते हैं, मसाला हमारा एकदम सही से पक गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला सूख गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें डालना है दही। अगर बहुत ज़्यादा गर्म मसाला में दही डाल दिया ना तो दही फट सकता है। तो बस कुछ सेकंड तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे ही ये मिश्रण हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के दही। ध्यान रखिए दही बिल्कुल भी खट्टा ना हो, दही फ्रेश रहेगा ना तो ये करी भी अच्छी बनेगी। तो बस मिक्स करते हैं। अभी भी मैंने गैस ऑन नहीं की है। सारे मसाले और दही अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर गैस ऑन कर देंगे। तो ये देखिए दही और मसाले सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से गैस ऑन कर देती हूँ। फिर से 1 से 2 मिनट तक इसे ऐसे चलाते हैं।
अब हमें इसको ढक के रखना है और 2 से 3 मिनट तक। गैस की फ्लेम यहाँ पे भी बिल्कुल स्लो रखें, नहीं तो मसाला जल सकता है। तो ये देखिए बस 2-3 मिनट तक इसे ढक के रख दिया था। एक बार ऐसे मिलाते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने कुक करके साइड में रख दिया था। इसी के साथ जाएगा ये बारीक कटा हुआ धनिया। मिलाते हैं। अगर आपको यहाँ पे लगे कि ये ग्रेवी बहुत ज्यादा गाढ़ी है तो यहाँ पे फिर से आप गुनगुना पानी डाल सकते हैं। चिकन को तो हमने पहले से ही कुकर के लिया था तो यहाँ पे पकने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस हमें इसको और 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि मसालों का स्वाद जो है चिकन के अंदर तक जाए। तो यहाँ पे ये ग्रेवी भी उबलने लगी है तो फिर से हमें इसको 3-4 मिनट तक ढक के रखना है। ये देखिए बस 3-4 मिनट बाद ढक्कन हटाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला के ऊपर काफी सारा तेल दिखने लगा है। ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। गार्निश करने के लिए इसके ऊपर डाल दिया है मैंने थोड़ा सा धनिया। आप इसे रोटी, फुल्का, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। ये चिकन करी राइस के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप ये सिंपल सी और बहुत ही टेस्टी चिकन करी की रेसिपी घर पर एक बार जरूर बनाइए। और पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए।